नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स की जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी जीवनी बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है। अगर भगवान ना चाहे, हम में से किसी को अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है या नौबत यहाँ तक आ जाए कि हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़े, तो क्या हम किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे कि जो डॉक्टर ही ना हो, जो कार्डियोलॉजिस्ट ही ना हो, जो सर्जन ही ना हो? डेफिनेटली हम सबका जवाब होगा नहीं, हमेशा नहीं कर सकते। लेकिन मैं जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर नहीं थे, फिर भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ सर्जन माने जाते हैं। तो मैं उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन की बात है दोस्तों, रॉबर्ट जायस नाम के एक प्रसिद्ध डॉक्टर जिराफ पर अध्ययन कर रहे थे और वो ये देखना चाहते थे कि जब वह पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे दिमागी झटका क्यों नहीं लगता है। तो इसके लिए उन्होंने एक जिराफ को ऑपरेशन टेबल पर लिटाया और उसे पकड़ने के लिए उस शख्स को बुलाया। अब उस शख्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। वो शख्स थे, उसके माता पिता चरवाहा थे और वो साउथ अफ्रीका के केप टाउन के रहने वाले थे। तो वो शख्स अपने माता पिता के साथ केप टाउन की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बगीचे में काम करते थे। तो उसी समय उनको रॉबर्ट जायस ने देखा और जिराफ पे अध्ययन करने के लिए, मदद के लिए बुलाया। तो दोस्तों उन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट जायस की करीब 8 घंटे तक उस ऑपरेशन टेबल पे मदद की और टाके लगाने में उनकी मदद की। इस मदद से प्रभावित होकर के डॉक्टर साहब ने उन्हें लैब असिस्टेंट का पद दे दिया। उसके बाद उस शख्स ने डॉक्टरों की मदद करना शुरू कर दिया सर्जरी के अंदर, टाके वगैरह लगाने के अंदर। अब धीरे धीरे उन्होंने, वो शख्स इतना माइंडेड, इतने मतलब दक्ष थे कि धीरे धीरे उन्होंने सर्जरी की नई नई तकनीकें पढ़ना शुरू कर दिया और जूनियर सर्जनों को वे सर्जरी की तकनीकें सिखाने लगे और धीरे धीरे वे विश्वविद्यालय की एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बन गए और चिकित्सा विज्ञान में वो कुछ वर्षों के अंदर एक नामी नाम हो गए। और दोस्तों उन्होंने जो विश्व का सबसे पहला जो 1967 में ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, उन्होंने प्रसिद्ध डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के असिस्टेंट के रूप में काम किया। साथ ही उन्होंने दोस्तों 1970 में जब लीवर के ऊपर अध्ययन शुरू हुआ तो उन्होंने लीवर की एक ऐसी नस की खोज की थी जिससे लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत ही आसान हो गया। तो दोस्तों उन्होंने इतना लगन से काम किया कि लगभग 30,000 सर्जनों को उन्होंने प्रशिक्षित किया अपने जीवन काल में। 30,000 सर्जनों को उन्होंने प्रशिक्षित किया और उनके इसी योगदान को देखते हुए उनको मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद डिग्री भी प्रदान की गई। तो एक ऐसा शख्स जो केवल बागवानी करता था, जो अशिक्षित था, जिसने मुश्किल से प्राइमरी एजुकेशन भी हासिल नहीं की थी, वो एक नामी सर्जन के तौर पे जाने गए। और दोस्तों अब मैं उनका नाम आपको बताना चाहूँगा। ये थे प्रसिद्ध डॉक्टर हैमिल्टन नाकी, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर के रहने वाले थे। और उनका योगदान आज भी मेडिकल के इतिहास में बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। और उनके योगदान पे एक पिक्चर भी बनी है जिनका नाम ईडन हार्ट है। तो दोस्तों ऐसे महान शख्स का निधन 2005 में हार्ट अटैक से ही हो गया था और उन्हें उसी जो केप टाउन की यूनिवर्सिटी थी वहीं पे दफना दिया गया था। तो हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ और ऐसे ही रोचक और प्रेरणास्पद जानकारी के साथ। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।